जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 वयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमा भ्रमा निलिंप निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। यह शिव तांडव स्त्रोत है। प्रातः काल स्नान प्राणायाम के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए जो लोग भगवान शिव का मनन चिंतन करके और शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्थात दोनों हाथों में फूल और बिलोपत्र लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। बेलपत्र शिव की प्रिय चीजों में से एक है। कहा जाता है कि बेलपत्र से शिव उपासना करने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है और हर इच्छा पूर्ण होती है। अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आपको कैसे करनी है बेलपत्र से शिव आराधना, शिव को बेलपत्र अर्पित करते हुए किन बातों का रखना है ध्यान, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। आप हमसे फोन के जरिए तो साथ ही साथ उसके लिए नंबर जानना बहुत जरूरी है जुड़ सकते हैं। तो दो नंबर्स हैं 01204602503 और 03 की जगह आप 04 भी डायल कर सकते हैं। और कालचक्र लाइव में सीधे जुड़ने के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़कर कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह आप कैसे कर सकते हैं यह हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखाते रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। June 23, 2014 दिन सोमवार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो दोपहर में 11:11 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र है रात में 12:35 तक। आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 तक था। आज योगिनी एकादशी व्रत है, बड़ा महत्वपूर्ण यह व्रत है। आज वस्तु खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो पंडित जी ने जानकारी दे दी है आपको आज के शुभ मुहूर्त की, और हम आज आपको विशेष तौर पर बताने वाले हैं कैसे बेलपत्र के जरिए आपकी अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर दुनियादारी की बात करें तो आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी है पंडित जी, और हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि किसी तरह से उसे धन लाभ होता रहे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बेलपत्र कैसे कारगर है? आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हर हूं दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवधरदानी हैं, इनकी उपासना और इनके लिए त्याग तपस्या जो भी की जाती है जिस उद्देश्य से की जाती है वह कार्य भगवान सदाशिव तत्काल पूर्ण कर देते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि प्रयास करने के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, धन से संबंधित चिंताएं आपके जीवन को घेरे हुए हैं, तो ऐसे में बेल के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग स्थापित करें। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिवलिंग की स्थापना बिल्व वृक्ष के नीचे करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। दूध से शिवलिंग का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें और अभिषेक के तत्काल बाद 108 बेलपत्र शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए समर्पित करें। भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और फिर वही खीर छोटे और जरूरतमंद बच्चों को, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रसाद के रूप में खाने के लिए दें। निश्चित रूप से यह उपाय रामबाण हो सकता है और इस उपाय से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो सकती है। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बेल पत्ते और बेल की जड़, बेल का फल किस तरह से मनुष्य के जीवन में चमत्कार करता है और क्या कहता है इसके बारे में हमारा देवी भागवत
इस विषय पर भी आगे मैं चर्चा करूंगा। एक ऐसा अचूक उपाय आज आपको बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप कभी निराश नहीं हो सकते हैं। उस कार्यक्रम को देखने के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आर्थिक संपन्नता कैसे जीवन में बेलपत्र के जरिए हासिल की जा सकती है, पंडित जी ने ये आपको बता दिया। अगला पड़ाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है गृहस्थ होना, तो वो शादी में अगर रुकावटें आ रही हैं तो इस संबंध में कैसे बेलपत्र आपकी सहायता कर सकता है। बार बार बनती बात बिगड़ जाती है, सभी गुण होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है, तो आपको बेलपत्र कैसे उसकी आराधना करनी चाहिए ताकि शिव प्रसन्न हो जाए, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले आइए राशि क्रम भी शुरू करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कौन से चार उपाय करने से आज किस्मत पूरा कर देगी तमाम दिक्कतों को मेष राशि वालों के लिए, तो पंडित जी मेष राशि वालों का राशिफल बता दीजिए। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में जो पैसे से जुड़ी हुई समस्या थी उसका समाधान मिलने वाला है। अगर आप कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने ही वाला है और मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी। आज निवेश करने से आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। आज शेयर में, कमोडिटी के क्षेत्र में यदि आप अपना पैसा लगाते हैं तो इसका लाभ आपको तत्काल मिलेगा। आज आपको चाहिए दुर्गा जी की उपासना करें, पानी में थोड़ी सी केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें और गाय को आटा खिलाएं, किसी ब्राह्मण को हो सके तो भोजन कराएं। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपने जान लिया है मेष राशि वालों का राशिफल, और अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़कर कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, और आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। आज वृषभ राशि के जातक अगर किसी भी कंपटीशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। आज आपकी आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आज आप अपने लक्ष्य में भी कामयाब रहेंगे। शक्कर मिला हुआ दूध आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को सफेद मंदार अर्थात आंकड़े का फूल समर्पित करना चाहिए। शिव पंचाक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपने दो राशि फलों को जान लिया है मेष और वृषभ, आइए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। आपके जीवन में कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं, बात करते हैं शादी ब्याह की। अगर आपकी भी शादी में तमाम दिक्कतें आ रही हैं या रिश्ते तो आते हैं लेकिन आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको बेलपत्र से कैसे करनी है शिव आराधना, तो पंडित जी जल्दी से बता दीजिए। इसके बारे में कहा गया है कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव भावी भी मेट सकते हैं। विवाह के लिए तो भगवान शिव की उपासना शास्त्रों में सर्वोत्तम मानी गई है। माता पार्वती ने भी अपने विवाह के लिए उग्र तप किया था, तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जो लोग भगवान शिव और माता गौरी अर्थात पार्वती की उपासना करते हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से उत्तम दाम्पत्य सुख होता है। शादी में विलंब हो रहा है या मन चाहा जीवन साथी या जीवन संगिनी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में 108 बिलोपत्र चंदन घोल करके उस पर चमेली की कलम से आप राम राम लिखें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए एक एक बिलोपत्र श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें शिव पार्वती के मंदिर में। विवाह जल्दी होगा, चिरंजीवी और भाग्यशाली वर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। और वैसे भी शिव पार्वती की जोड़ी के लिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जोड़ी है, और अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो आपको अपने मन के मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज की राशिफल की। आज
आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन संतान पक्ष से थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है। आज आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आप पूरी बुद्धिमत्ता के साथ कोई भी निर्णय लीजिए। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ एक बार जरूर कीजिए और जल में थोड़ी सी भांग मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। बेल के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए और घर से निकलने के पहले आईने में अपना चेहरा देख करके निकलिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपका दिन मंगलमय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। वैसे तो अमूमन लोग घर से निकलते हैं तो अपना चेहरा जरूर देख लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये लग रही हूँ। खैर, पंडित जी ने मिथुन राशि वालों को विशेष तौर पर ये बता भी दिया है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर थोड़ी थोड़ी आत्मविश्वास में कमी रहेगी और काम की अधिकता के कारण आज आप थकान भी महसूस करेंगे और आपको अपने आमदनी और खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार का सुख और सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। आज आप सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें और सफेद रुमाल अपने पास रखें। शाम को शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। सफेद गाय को कच्चे चावल आपको आज खिलाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बॉडी में नेगेटिव एनर्जी लगातार बढ़ने के कारण आप अलग अलग बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, तो बेलपत्र से कैसे शिव की उपासना करने से मिल जाएगी आपको रोगों से मुक्ति, आइए जानते हैं। नेगेटिव एनर्जी लगातार बढ़ने के कारण आप अलग अलग बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, तो बेलपत्र से कैसे शिव की उपासना करने से मिल जाएगी आपको रोगों से मुक्ति, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे रोगों से मुक्ति देने में कारगर है बेलपत्र? स्वास्थ्य यदि आपका खराब रहता है, स्वास्थ्य में आपके बार बार गिरावट दिखती है, तो आप 108 बिल्वपत्र ले लीजिए। चंदन का इत्र हर पत्ते पर लगा लीजिए। ओम होम जूम शह, यह लघु मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र क्रमशः चढ़ाइए। इससे जानते हैं आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और एक पॉजिटिविटी आपके शरीर में प्रवेश करती हुई आपको नजर आएगी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में सहायक होगा। यह अनुष्ठान जो लोग लगातार 40 दिनों तक करते हैं उनके जीवन में कभी डिप्रेशन की स्थिति नहीं बनती है और ऐसे लोग आत्मविश्वास से परिपूर्ण और सारे समाज का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने में कामयाब होते हैं। तो पंडित जी ने आपको विशेष जानकारी संबंध में भी दी कि कैसे आप अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं बेलपत्र की आराधना सही तरीके से करके। सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज कोई चमत्कार शिव को बेलपत्र चढ़ाने से पूरी होती है हर मनोकामना। किस मनोकामना के लिए बेलपत्र से कैसी है शिव की उपासना, यही आज हम आपको बता रहे हैं। इस पर हम आगे भी आपको जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और उनको कौन से चार उपाय करने हैं जो कि बेहद असरदार हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय है और ऑफिस में आज काम को लेकर के तनाव रहेगा। आज आप किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े। आज आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और जल में लाल चंदन मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बिलोपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव अमृतवाणी का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
और अब बात फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम आपको बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं, कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं लगातार हम आपको कालचक्र के दौरान दिखा रहे हैं और आगे भी बहुत सारी जानकारियां देंगे ताकि आपकी दिक्कतों का हल हो पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कन्या राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। मकान का सुख प्राप्त होगा। भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है। रोजगार में आपको तरक्की मिलेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें और शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर के अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जप करें और आज किसी से कटु वचन ना बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। पत्र से शिव की उपासना करने पर हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं? यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। बेलपत्र न सिर्फ शिव की कृपा दिलाता है बल्कि कुंडली में सूर्य को भी मजबूत करता है और इसके बारे में पंडित जी से हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बताते हैं उनको अपनी राशि के अनुसार वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आज का दिन उनके लिए सफलता से भरा रहे। मेष राशि के जातकों को आज बताना चाहूंगा कि आज आप पानी में केसर मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, गाय को आटा खिलाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को आज क्या उपाय करना है कि आज आप शक्कर मिला हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए और भगवान शिव को सफेद मंदार अर्थात आंकड़े का फूल श्रद्धा पूर्वक समर्पित कीजिए। शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथा संभव जप कीजिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, जल में भांग मिलाकर भगवान शिव का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें और बेल के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। घर से निकलने के पहले आईने में अपना चेहरा देख करके घर से निकले, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज अपने पास एक सफेद नए रुमाल जरूर रखें। शाम को शिव मंदिर में एक घी का दिया जरूर जलाएं। सफेद गाय को कच्चे चावल खिलाएं और गाय का स्पर्श करें, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक, आज पानी में लाल चंदन मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, शिवलिंग पर बिलो पत्र चढ़ाएं और शिव अमृत वाणी का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर के अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव रुद्राक्ष की माला पर जप करें। आज किसी से कटु वचन ना बोलें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपने जान लिया इन सभी राशियों का राशिफल एक बार फिर से। अब आप हम बता दें कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, कालचक्र में हर दिन पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं ये हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखा रहे हैं और उसको देखिए, जल्दी से अपनी परेशानी का हल पा लीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि शिव को बेलपत्र प्रिय है, तो हमने ये सुन लिया है, पंडित जी ने ये विस्तार से हमें बता दिया, लेकिन बेलपत्र से सूर्य की भी मजबूत होने की स्थिति बनती है, ये कैसे मुमकिन है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे सूर्य भी मजबूत हो सकता है अगर हम बेलपत्र की आराधना करें तो? देखिए, अगर मान सम्मान में कमी आ रही है तो रविवार को तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ी सी कुमकुम डाल करके, थोड़ा सा शक्कर डाल करके और बिलोपत्र डाल करके सूर्य को 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके जल गिराइए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी कीजिए। तिल शक्कर या गुड़ का दान रविवार को कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में है या
सूर्य आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी होकर के और कहीं शनि के घर में मकर कुंभ राशि में बैठा हुआ है या राहु केतु के प्रभाव में है, तो आपको चाहिए कि सूर्य यदि कमजोर है आपकी कुंडली में तो आप बेल पत्र की जड़ रविवार को खोद करके घर ला करके उसको गंगा जल से धो करके लाल या गुलाबी रंग के कपड़े में या धागे में बांध करके दाहिनी कलाई पर या दाहिनी बांह पर अगर धारण कर लें तो सूर्य ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। और एक दर्शक हमारे साथ है रायगढ़ से पूजा। पूजा पूछिए क्या जानना चाहती हैं। चलिए पूजा से हम बात करने से पहले अनीता जुड़ गई हैं चेन्नई से। अनीता जानिए क्या जानना चाहती हैं। लग रहा है अनीता से भी हमारा संपर्क टूट गया है। और आइए इस बीच आइए जान लेते हैं तुला राशि वालों का राशिफल। आज तुला राशि के जातक जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज अच्छे कार्यों में और सदमार्ग में आपका धन व्यय होगा। विद्यार्थी अगर आप हैं तो शिक्षा के हर मुकाम पर आपको आज सफलता मिलेगी। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए और नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। केसर का तिलक स्वयं लगाना चाहिए और किसी महिला को आज वस्त्र दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक हैं आंचल दिल्ली से फोन कर रही हैं। पूछिए आंचल क्या जानना चाहती हैं आप। मेरा जन्म नाइट पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए आंचल जी। मेरा जन्म 1999 का है, करीब 4 बजे कुछ मिनट पे। क्या जानना चाहती हूँ बेटा। मैं अपने 10th के रिजल्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी 10th में हूँ। चलो मैं बताना चाहूंगा कि मंगल और सूर्य चतुर्थदशम की स्थिति में है। मध्यम श्रेणी का तुम्हारा रिजल्ट रहेगा, बहुत उच्च कोटि का रिजल्ट नहीं रहेगा। अभी विद्या अध्ययन के प्रति आपको और मेहनत करने की जरूरत है आंचल। और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जप किया करो और पढ़ाई करने जब भी बैठो तो पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ाई करो। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करोगी तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। एक दर्शक और है हमारे साथ धीरज नागपुर से। धीरज बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ धीरज, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जय माता दी पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए, बोलिए पंडित जी। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1978। जी जी। और जन्म प्लेस है नागपुर, महाराष्ट्र। जी। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो पारिवारिक परेशानी से गुजर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि राहु के साथ है। अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि 2011 के बाद से ही परिवार में पैसे की कमी और रोग व्याधि की अधिकता और कलह की स्थिति बनी हुई है। अगर एक बार आप अपने घर में शिववास का विचार करके किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से और पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने घर में भगवान शिव का अच्छे ढंग से रुद्राभिषेक करें और पूरा परिवार मिलकर के हवन करें तो निश्चित रूप से आपके परिवार की सारी परेशानियां दूर होंगी। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों के संतान की उन्नति के योग बन रहे हैं। खान पान में थोड़ा सा व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है। आज आपको परोपकार का भी अवसर मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका आप पाठ करें और शिवलिंग पर शहद का लेप करके उसे शुद्ध जल से धोएं। गाय को दोनों हाथों में बताशा लेकर के बताशा खिलाएं और अपने माथे पर चंदन का तिलक करें।
जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए वृश्चिक राशि के बाद अब राशि क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए एक शुभ समाचार है। आज आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि जाएंगे तो आप सफल रहेंगे। माता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके दिन की शुरुआत आज किसी अच्छे काम से हो चुकी है। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको उपासना करनी चाहिए और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव को धतूरे का फल और फूल भी समर्पित करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यथासंभव चंद्रमा का ध्यान करते हुए जप भी करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और धनु राशि वालों का राशिफल जाने के बाद अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट यानी कि आपकी कुंडली का। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं शिकागो यूएसए के रहने वाले वैभव। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें देश में सफलता मिलेगी या विदेश में, क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी तो बता दीजिए, देश में सफलता या विदेश में सफलता। वैभव का जन्म 16 सितंबर 1982 को 2:20 पर प्रातःकाल इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। वैभव जी आपकी जन्म कुंडली है कर्क लग्न की। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ, द्वितीय के साथ और शुक्र के साथ आपके धन भाव में स्थित है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति तुला राशि में सुख स्थान में है। मंगल आपका पंचमेश होकर के पंचम स्थान पर है। बुध सूर्य बुध शनि की युति है। कहने का तात्पर्य आप भाग्यशाली तो हैं, लेकिन इस समय जो आपकी ग्रह दशा चल रही है चंद्रमा में राहु का अंतर, यह बहुत आपके मन को परेशान करने वाली दशा है। यह ग्रहण योग की दशा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है, स्थिर स्वदेशी बहुभाग्य युक्ता स्थिर ग्रह भूरि धनान्वितस्यात् और संचारशील चर्भे विलग्ने लग्नांशके चैवमुदाहरन्ति विदेश भाग्यम चर्भे तदिसे चरे तदिसे चरखेट दृष्टि। आपका बृहस्पति चर राशि में भाग्येश होकर के बैठा हुआ है। आपका भाग्योदय और आपके जीवन की सफलता विदेश में सन्निहित है। आप जितनी सफलता विदेश में प्राप्त कर सकते हैं उतनी सफलता आपको स्वदेश में नहीं प्राप्त होगी, इसलिए आप विदेश में प्रवास करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 6 सितंबर 2014 के बाद होगी। आपको मोती धारण करना चाहिए। तो पंडित जी ने आपको जो भी वैभव उपाय बताए हैं आप जीवन में जरूर अपनाइएगा। और इसी के साथ ही कालचक्र की प्रसिद्धि सिर्फ देश में ही नहीं है विदेशों में भी है। ये वैभव हमारे साथ जुड़े शिकागो यूएसए से इससे भी पता चलता है। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ है राजेश, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। राजेश बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार गुरु जी। हाँ सदा सुखी रहिए राजेश जी। गुरु जी मेरी उम्र 52 साल है जी। जी जी। और मेरा 2008 से काम धंधा डिस्टर्ब हो गया जी। और मेरा बड़ा बेटा सीए के एग्जाम दे रहा है, मेरा काम कब शुरू होगा, उसकी सीए हो जाएगी। देखिए यहाँ तक आपने अपने पुत्र के शिक्षा के बारे में पूछा है तो मैं बड़े दावा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बेटे को सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सफलता मिलने में 2015 अगस्त तक का समय लगेगा। बेटे को चाहिए कि वो प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत हनुमान जी की उपासना से करे। स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करे। मंगलवार शनिवार को घूमते घूमते हनुमान मंदिर जा करके और हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ जो सिंदूर होता है उसे उठा करके अपने माथे पर लगाए। निश्चित रूप से भाग्योदय होगा और अच्छे ढंग से उसे सफलता मिलेगी। और शिव उपासना में जिस बेलपत्र का इस्तेमाल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की क्या है सही विधि, बेलपत्र से कैसे शिव आराधना करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन अब हमारे दर्शकों को पंडित जी बताने वाले हैं कि शिव उपासना में इस्तेमाल होने वाला बेलपत्र कैसा होना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि क्या है।
तो पंडित जी जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि सही विधि क्या है, कैसे बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र का क्या आकार भी महत्व रखता है, विधि क्या है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा बेलपत्र होना चाहिए और किस विधि से बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, कभी कभी 4 पत्ती वाला भी बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो इसको भगवान शिव के ऊपर सजोइए और बाद में उस बेलपत्र को जब निर्माल्य किया जाए, भगवान शिव के ऊपर से उतारा जाए, तो उसको ले आकर के घर में किसी कापी में, किसी अच्छी धर्मशास्त्र की पुस्तक में रख लीजिए। ये आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक होगा। और किसी किसी भाग्यशाली लोगों को तो 5 पत्तियों वाला बेलपत्र भी प्राप्त हो जाता है, जो आपके तुरंत भाग्योदय का प्रतीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बिलोपत्र की पत्तियां टूटी हुई ना हो और उसमें छेद भी ना हो, बिलोपत्र साफ सुथरा और सुरक्षित हो। बेलपत्र जब भी भगवान शिव को अर्पित करें तो उसका जो चिकना वाला हिस्सा होता है, अर्थात ऊपर वाला हिस्सा, उसको नीचे की तरफ रख करके आप शिवलिंग पर चढ़ाइए और एक ही बेलपत्र को जल से धो करके आप बार बार चढ़ा सकते हैं। केवल बिलोपत्र एक ऐसा भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाली वस्तु है जिसे आप धो करके बार बार चढ़ा सकते हैं और ये अपवित्र और अशुद्ध नहीं होता है। बिना जल के बिलोपत्र कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। सूखे शिवलिंग पर सूखा बिलोपत्र बिना धोए नहीं अर्पित करना चाहिए। जब भी बिलोपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। तो मैं अपने दर्शकों को ये अब बताना चाहूंगा कि वह कौन सा उपाय है। आपने अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सारे पूजा पाठ उपाय कर लिए, सारे टोने टोटकों को आपने आजमा लिया, लेकिन आर्थिक परिस्थिति है कि जस की तस है, दरिद्रता तांडव कर रही है, कर्ज बना हुआ है और व्यवसाय में भी लाभ नहीं मिल रहा है, और आपका सपना है जीवन में सुखी और सफल जीवन का, तो आज कागज कलम लेकर के आप नोट करिए एक उपाय। यह उपाय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का है, यह कोई कपोल काल्पनिक उपाय नहीं है। वेद व्यास ने इस उपाय को लिखा है, भगवान शिव शिव पार्वती संवाद में इस बात को कहे हैं, तो इसलिए आप भी नोट करिए और इसका आप आजमाइश कीजिए और इसका चमत्कार देखिए। तो आज के ही कार्यक्रम से संबंधित है यह उपाय। तो पहली चीज आप नोट करें, बिलोपत्र, बेल का पत्ता, बेल की जड़, बेल का, बेल की छाल, बेल के पेड़ की छाल और बेल का गुदा और बेल का फूल, इन 5 चीजों में 4 चीजें आप आसानी से पा जाएंगे, लेकिन बेल का फूल जो है यही आपको मिलने में कठिनाई होगी। फरवरी मार्च के महीने में बेल के पेड़ में फूल लगते हैं और वो फूल जमीन पर गिरते हैं, तो आप फरवरी मार्च के महीने में यदि प्रयास करेंगे तो बेल का फूल भी प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 चीजों को मिला करके और जब आपको हवन करना हो उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए और थोड़ी सी चीनी या घी की मात्रा मिला लीजिए। अब श्री सूक्त का पाठ करते हुए या गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए, ये 3 मंत्र इसके साथ सिद्ध हैं। इन 3 मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको सुविधाजनक हो, तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए, मां महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन शुरू कीजिए। अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन 3 उंगलियों से हवन की आहुति दीजिए, 108 आहुति प्रातः काल हवन कीजिए। यह हवन की प्रक्रिया 1 वर्ष तक आप चला दीजिए, 7 जन्मों तक आप दरिद्र नहीं हो सकते हैं, 7 जन्मों तक गरीबी आपका स्पर्श नहीं कर सकती है और आपके कुल में वैभव निश्चित रूप से बना रहेगा। प्रक्रिया हो सकती है थोड़ी जटिल हो, लेकिन चमत्कार होने का पूरा पूरा दावा है।
चलिए पंडित जी ने आपको अचूक असरदार उपाय बता दिया है, इसे जरूर अपनाइएगा और फिर बताइएगा कैसे नतीजे आपको मिलते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या तब्दीली होती है। और आइए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों का भाग्य अच्छा रहेगा। आज आपके पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है और नौकरी से जुड़ी हुई परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन पिता के सहयोग से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। शनि मंदिर में दीपक जलाइए और चावल का दान करने से लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर बिलुपत्र चढ़ाइए और किसी महिला की मदद जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों को आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। आज कहीं से आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है और आज आपके ज्ञान के क्षेत्र का भी विस्तार होगा। यात्रा करने से आपको लाभ मिल सकता है। दूध का दान करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं और शिव मंदिर में केसर की मिठाई अर्पित करें। आज किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से मन की प्रसन्नता दोगुनी हो जाएगी। अच्छी नौकरी का योग बन रहा है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए और घर से निकलने के पहले पानी पी करके निकलिए और केसर का तिलक लगाना ना भूलिए। तो ये उपाय करके आज अपने जीवन को आप सुखी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।